भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव बढ़ियो वाला में। यहां ये गुरुद्वारा जगदीशा वाले की ओर से यहां ये भीषण गर्मी के चलते ये छबील लगाया गया है। तो ये गुरुद्वारे के सेवादार और सिख समुदाय के अन्य लोग ये राह चलते लोगों को ये शरबत पिला रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये इन्होंने ये जगदीशा वाला के सामने मेन रोड पर ये जसपुर पतरामपुर मार्ग है उस पर ये छबील लगा रखा है। और ये छोटे छोटे बच्चे ये देखिए आप ये सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्मण, ये गुरुद्वारा जगदीशा वाला के मुख्य सेवादार ये मेरे सामने हैं। ये इनके नेतृत्व में ये छबील चल रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। ज्ञानी जी, क्या नाम आपका? ज्ञानी दलजीत सिंह जी। दलजीत सिंह जी, अच्छा। तो ये गुरुद्वारा जगदीशा वाला की तरफ से चल रही है सेवा छबील की? ये छबील जी लगातार चल रही है, शुरू से कम भी 40-50 साल हो गए। ये जगदीशा वाला गुरुद्वारे की तरफ से चल रही ना ये? हाँ जी। अच्छा। तो ये अब ये भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ये अब कितनी बार लगा चुके हैं छबील? ये पहली बार लगाया? ये पहले भी कई दफ़ा लगा चुके हैं काफ़ी समय से। अच्छा, ये हर साल लगा? गर्मी के दिन में जब लॉकडाउन लगा था उस समय के लिए बंद थी, जब लॉकडाउन शुरू खुल गया फिर लगातार चल रही है। अच्छा, तो ये हर साल लगाते हैं? हाँ जी, हर साल लगाते हैं। अच्छा, जैसे एक गर्मी के एक सीजन में एक ही बार लगाते हैं फिर और फिर भी लगाओगे उसके बाद भी? सिर्फ एक ही बार लगाते हैं। एक ही दिन? अच्छा। और कल 2-3 तारीख थी, वहाँ सुखमणि साहब पड़े थे गुरुद्वारे में और लंगर चलाया गया था। उसके बाद में कल बड़ियों वाले ने सभी लगाई थी छबील, और आज हमारे जगदीशा वाले के जितने भी सेवादार हैं सबके पूरी संगत का सहयोग से छबील लगाई जा रही है। पूरी संगत का सहयोग है, पूरे गांव का, सबने बहुत तसली से सेवा कर रहे हैं, बड़े तरीके से सेवा कर रहे हैं। जितने भी सेवादार हैं, लड़के हैं सेवा करने वाले, बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं यहाँ का। तो देखिए, मैं अभी गुरुद्वारा जगदीशा वाला के मुख्य सेवादार जो दलजीत सिंह है उनसे वार्ता कर रहा था छबील के संबंध में। तो उनका कहना है कि जगदीशा वाला गुरुद्वारा की ओर से ये गर्मियों के हर सीजन में ये राहगीरों को शरबत पिलाने के लिए छबील लगाया जाता है। ये लोग देखिए ये रुक कर ये शरबत पी रहे हैं। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।